सिद्धू मूसेवाला और करण औजला जो एक टाइम पे अच्छे फ्रेंड थे, कैसे वो पंजाबी इंडस्ट्री के सबसे बड़े बीफ में इन्वॉल्व हो गए। सो इट ऑल स्टार्टेड इन ईयर 2017 जब सिद्धू मूसेवाला ने बिग बर्ड के साथ अपना ट्रैक सो हाई ड्रॉप किया। उस ट्रैक की कुछ लाइन थी जो कॉपीकैट बने गीतकार सारे ने, पाड़ पाड़ सितनेया मूसेवाले ने, जो कॉपीकैट बने गीतकार सारे ने, पाड़ पाड़ सितनेया मूसेवाले ने। जिसको अगर हम हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे उसकी मीनिंग होती है, जो मुझे देखकर और चुराकर गाने लिखते हैं सिद्धू मूसेवाला ने उन्हें फाड़ के रख देना है। एंड अकॉर्डिंग टू एन इंटरव्यू बाय एली मंगत, और एली मंगत कौन है और कैसे वो सिद्धू मूसेवाला और करण औजला से रिलेटेड है मैं इस वीडियो में आगे बताऊंगा। एली मंगत ने अपने इस इंटरव्यू में ये बताया कि जब सिद्धू मूसेवाला अपने दोस्तों के साथ बैठे हुए थे तो उन्होंने ऐसे ही मजाक मजाक में ये बोल दिया था, गीता दी मसीन पाड़ पाड़ सितने मूसेवाले ने, और गीता दी मसीन करण औजला को बोला जाता है। सिद्धू ने स्नैपचैट सच स्नैपचैट गाँव सी गाना चुने गाना जो गीता वाली मशीन बनते ने और जब सिद्धू मूसेवाला ये बोल रहे थे तो उनके किसी फ्रेंड ने वो चीज रिकॉर्ड कर ली और उसे रिहान रिकॉर्ड के किसी बंदे को भेज दिया, और रिहान रिकॉर्ड वही रिकॉर्ड लेबल है जिसे करण औजला साइंड है। सिद्धू मूसेवाला ने ये बात मजाक में बोली थी, पर रिहान रिकॉर्ड और करण औजला ने इस चीज को बिल्कुल मजाक में नहीं लिया। सिद्धू वीडियो बना के करने भेजती और सिद्धू मूसेवाला और रिहान रिकॉर्ड्स के बीच वर्ड्स एक्सचेंज होने लगी और धमकियां एक्सचेंज होने लगी। ओके, सो इस तरह ये बीफ स्पार्क हुई और धीरे धीरे बढ़ती गई और बाद में हमें दोनों साइड से डिस ट्रैक देखने तक को मिले। सो इस वीडियो में हम करण औजला और सिद्धू मूसेवाला के बीफ को प्रॉपरली डिस्कस करने वाले हैं। हम स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे जब करण औजला और सिद्धू मूसेवाला साथ में काम किया करते थे। हम ये भी डिस्कस करेंगे कैसे इस बीफ में एली मंगट और दीप जांदू भी इन्वॉल्व है। और अगर तुम पंजाबी गाने सुनते हो, पंजाबी हिप हॉप फॉलो करते हो, तो तुम्हें ऑलरेडी इस बीफ के बारे में पता होगा। पर मैं ये वीडियो हिंदी ऑडियंस के लिए बना रहा हूँ, जितनी भी मेरी ऑडियंस है जो हिंदी हिप हॉप सुनती है, हिंदी रैप सुनती है, और उन्हें इस बीफ के बारे में ज्यादा पता नहीं है। सो आई होप इस वीडियो से तुम्हें पता चल जाएगा। और जितना मैंने YouTube में सर्च किया, आई थिंक इस बीफ को किसी ने अभी तक हिंदी में एक्सप्लेन नहीं किया है। सो दैट इज ऑल्सो अ रीजन आई एम एक्सप्लेनिंग दिस बीफ। सो अगेन, एक क्रेजी वीडियो होने वाला है, एक्साइटिंग वीडियो होने वाला है फॉर श्योर। तुम कुछ ना कुछ सीख के जाओगे इस वीडियो से, एंटरटेन होके जाओगे। वीडियो को लास्ट तक देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। वीडियो स्टार्ट करने से पहले चेक दी सॉन्ग ऑफ द डे। जावे अपनी ते फिर वज बान थोड़ी है, जो जीत ले वे दूसरा में दान थोड़ी है, जो कह कह कर वाई वा सलाम थोड़ी है, जो बजार के मैं बिके भगवान थोड़ी है, तोड़े कितने की नाक आज बोल मेरे वजनदार आई ना समाज का। गाने का नाम है That's What, आर्टिस्ट है प्रिंस सिद्धू। मैंने इसके पहले भी भाई के गाने फीचर किए हैं। भाई का काम मुझे बहुत सही लगता है, बहुत एग्रेशन होते हैं भाई के गाने में, लिरिक्स अच्छी होती है। तो मैंने इस गाने का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, लिंक में क्लिक करना और भाई के कमेंट में जाकर ड्रॉप कर देना तुम रैप बॉट के चैनल से आए हो। रैप बॉट ने भाई को ढेर सारा प्यार भेजा है, बहुत सही काम कर रहे हैं भाई, बिल्कुल सपोर्ट डिजर्व करते हैं, जाओ भाई को सपोर्ट करो। ओके, लेट्स कम बैक टू द वीडियो। जब सिद्धू मूसेवाला अपने करियर के स्टार्टिंग में कनाडा गए थे तो सबसे पहले उनकी मुलाकात हुई थी एली मंगत के साथ, और एली मंगत के साइड से सिद्धू मूसेवाला को स्टार्टिंग के टाइम पे बहुत ज्यादा सपोर्ट भी मिला। और जैसे तुम लोग को पता होगा कि सिद्धू मूसेवाला ने अपने करियर के स्टार्ट एज ए सॉन्ग राइटर करी थी, तो उस टाइम पे भी वो सॉन्ग राइटिंग को ज्यादा प्रायोरिटी देते थे। और उसी टाइम पे सिद्धू मूसेवाला का लिखा हुआ पहला गाना लाइसेंस, जो कि निंजा ने गाया था, वो रिलीज हुआ। और ये ट्रैक एक सुपर हिट ट्रैक बन गया, और इस ट्रैक की वजह से बहुत सारे पंजाबी इंडस्ट्री के लोग सिद्धू मूसेवाला को जानने लगे। और उस टाइम पे एली मंगत की दोस्ती करण औजला के साथ भी थी, और एली मंगत ने ही सिद्धू मूसेवाला और करण औजला को पहली बार मिलवाया था। और एली मंगत के बहुत सारे सुपरहिट गाने करण औजला ने ऑलरेडी लिख रखे थे। और एली मंगत के साथ साथ दीप जांदू की भी उस समय करण औजला के साथ बहुत अच्छी दोस्ती थी। और एक टाइम ऐसा भी था जब एली मंगत, दीप जांदू, करण औजला और सिद्धू मूसेवाला एज ए टीम काम कर रहे थे। 9th May 2017 दीप जांदू का एक ट्रैक रिलीज होता है बाय द नेम आ गया नी ओई बिल्लो टाइम। एक दिन
और इस ट्रैक को सिद्धू मूसेवाला ने लिखा था और ये ट्रैक रिलीज के बाद एक सुपरहिट ट्रैक बन गया। अभी तक सारा कुछ सही चल रहा था पर इसके बाद करण औजला और एली मंगत की कुछ रीजंस की वजह से लड़ाई हो गई और उस डिस्प्यूट या फिर इश्यूज की वजह से करण औजला और दीप चांदू एली मंगत से अलग हो गए और इसके बाद अगस्त 2017 में सिद्धू मूसेवाला ने अपना ट्रैक सो हाई रिलीज किया। और जैसा मैंने स्टार्टिंग में बोला था, जब वो अपने दोस्तों के साथ बैठे हुए थे तो मजाक मजाक में उन्होंने करण औजला से रिलेटेड कुछ बातें कर दी जो करण औजला तक पहुंच गई और उसके बाद करण औजला और सिद्धू मूसेवाला के बीच चीजें बिगड़ना स्टार्ट हो गई। और सिद्धू मूसेवाला और करण औजला के इस डिस्प्यूट के बाद सिद्धू मूसेवाला के मल्टीपल ट्रैक्स लीक हो गए और सिद्धू मूसेवाला ने अपने ट्रैक्स लीक होने के पीछे करण औजला को रिस्पॉन्सिबल बताया। और इसके बाद स्नैपचैट में हमें दोनों साइड से शॉर्ट्स देखने को मिलने लगे। प्रैक्टिकल होगा कम करदा नहीं लिख के हिक ते मारूंगा मारदा नहीं पिट ते बना डायलॉग ना चेक लियो है ए साडे कॉपीराइट क्लेम्ड स्पाइसी फक जी। और अपने लाइव परफॉर्मेंस में भी दोनों ने एक दूसरे के ऊपर शॉर्ट्स लिए। और दोनों आर्टिस्ट को एक दूसरे के साइड से थ्रेट्स मिलने लगे। पर जब चीजें बहुत ज्यादा सीरियस होने लगी तो दोनों साइड से जो इनके म्यूचुअल फ्रेंड्स थे उन्होंने इस मैटर को कूल डाउन करवा दिया। बट ऑन 15th March 2018 एक ट्रैक ड्रॉप हुआ बाय द नेम लफाफे। इस ट्रैक की जो लिरिक्स थी वो करण औजला ने नहीं लिखी थी पर इस ट्रैक में करण औजला ने एज ए सिंगर फीचर किया था और इस गाने में मल्टीपल शॉट्स लिए गए थे सिद्धू मूसेवाला के ऊपर। और इस ट्रैक के रिलीज होने के बाद हमें सिद्धू मूसेवाला के साइड से इस ट्रैक का रिप्लाई देखने को मिला जिसका नाम था वार्निंग शॉट्स। और इसके बाद आज तक सिद्धू मूसेवाला और करण औजला अपने मल्टीपल ट्रैक्स में एक दूसरे के ऊपर शॉट्स लेते आ रहे हैं। ओके, सो दिस इज हाउ वन ऑफ द बिगेस्ट बीफ इन पंजाबी इंडस्ट्री स्टार्टेड। सो अगर हम इस बीफ या फिर जो लड़ाइयां हो रही है इसे साइड कर ले, वी कांट नेग्लेक्ट द फैक्ट कि सिद्धू मूसेवाला और करण औजला पंजाबी इंडस्ट्री के दो सबसे टैलेंटेड आर्टिस्ट है। और जब सिद्धू मूसेवाला और करण औजला को भी एक दूसरे के बारे में पूछा जाता है तो वो एक दूसरे को हमेशा प्रेज ही करते हैं। सो आई होप और जितने भी इनके रियल फैंस है या फिर ट्रू फैंस है वो भी यही होप कर रहे होंगे कि इन दोनों की फाइट या फिर बीफ खत्म हो जाए और हमें फ्यूचर में इन दोनों का कोलैब देखने को मिले। अगर तुम सिद्धू मूसेवाला और करण औजला को साथ में देखना चाहते हो एक ट्रैक में, नीचे कमेंट करके बताना। ओके, सो दिस वाज इट, दिस वाज करण औजला एंड सिद्धू मूसेवाला बीफ जो मैंने हिंदी में एक्सप्लेन किया। तो अगर तुम इस वीडियो में कुछ सीखने को मिला डू लेट मी नो इन द कमेंट। अगर तुम चैनल पे पहली बार आए हो मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल। अगर तुम चैनल को पहले से भी देख रहे हो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लो, अपने भाई को सपोर्ट करो, तुम्हारा भाई बहुत मेहनत करता है, सिर्फ बदले में तुम्हारा सपोर्ट चाहिए, ठीक है। अगर तुम इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हो लिंक डिस्क्रिप्शन में। अगर तुम डिस्कॉर्ड ज्वाइन करना चाहते हो डिस्कॉर्ड में तुम मुझसे वन ऑन वन बात कर सकते हो, मैं हफ्ते में एक दिन डिस्कॉर्ड में आता हूं। तुम्हारा कोई सजेशन है तुम जो वो दे सकते हो, कोई फीडबैक है वो दे सकते हो या फिर मुझसे नॉर्मली बात कर सकते हो तो डिस्कॉर्ड का लिंक भी तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन कर लेना। और अगर तुम यूट्यूब शॉर्ट चैनल सब्सक्राइब करना चाहते हो, तुम्हें छोटे वीडियोस देखना पसंद है तो यूट्यूब शॉर्ट चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, यूट्यूब शॉर्ट्स भी जरूर से सब्सक्राइब कर लेना। ओके, सो दिस वाज इट, दिस वाज द वीडियो, थैंक्स फॉर शोइंग ऑल द लव ऑल द सपोर्ट, थैंक्स अगेन। कैसा नशा तेरी जादू में मैं लापता, कोकेन जैफी चढ़ती लत लगी है क्या पता, साथ बिताए पल लबों पे जैफी पफ कीजिए, कोसों में दूर फिर भी माइंड मेरा तेरे पीछे।